हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं शशि आर शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आरजे लर्निंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, राइट। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हम चेंजेस से। देयर आर टू टाइप ऑफ चेंजेस इन आवर एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में दो तरह के चेंजेस होते हैं। पहला है फिजिकल चेंज एंड अनदर केमिकल चेंज। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज फिजिकल चेंज। आइए देखते हैं फिजिकल चेंज, राइट। फिजिकल चेंज है क्या? फिजिकल चेंज डू नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन। फिजिकल चेंज में कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इसका डेफिनेशन आप लिख लेंगे, फिजिकल चेंज चेंज डू नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन। यानी फिजिकल चेंज में कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, राइट। तो चलिए हम इसके एग्जांपल देखते हैं। तो पहला इसका एग्जांपल होगा, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं मेल्टिंग ऑफ वैक्स। इसमें क्या है कि इसमें बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। क्या है कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ा और फिर से दूसरा एक एग्जांपल आता है बर्निंग ऑफ कैंडल। इसमें बहुत ही मतलब क्या होती है ना, हम लोग की समझ थोड़ा सा कम हो जाती है, लेकिन आज इस वीडियो में आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो मोम है वह क्या होता है जी, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। इट मींस मेल्टिंग ऑफ वैक्स, राइट। बट अगर जो बात करें हम बर्निंग ऑफ कैंडल की, बर्निंग ऑफ कैंडल, तो वहां पर क्या होता है, जो कैंडल है बर्न करता है। इट मींस उसमें क्या है कि ऑक्सीजन क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। आफ्टर दैट वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल दैट इज अ केमिकल चेंज, बट मेल्टिंग ऑफ वैक्स दैट इज अ फिजिकल चेंज, राइट। अनदर एग्जाम्पल अगर तो देखते हैं हम लोग, अनदर एग्जाम्पल लेते हैं बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर, वाटर को बॉइल करना क्या है, दैट इज अ फिजिकल चेंज। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं चॉपिंग वेजिटेबल्स, सब्जी को काटना, फ्रूट्स को काटना, दैट इज अ फिजिकल चेंज। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अब देखते हैं व्हाट इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज की बात करते हैं, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज की बात करते हैं, तो व्हाट इज केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज डू नॉट इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। फिजिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। तो यहां तो नाम ही है केमिकल चेंज। इट मींस केमिकल चेंज डू इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज, डू इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं और फिर केमिकल्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल का बर्न करना, कोई भी कंबशन रिएक्शन है, कोई भी कंबशन है, कहीं पर भी आग जल रही है, दैट इज अ केमिकल चेंज। कोई भी चीज बर्न कर रहा है, चल रहा है, दैट इज अ केमिकल चेंज।
राइट। अनदर एग्जांपल अगर जो लेते हैं हम लोग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज। हाउ हम लोग क्या करते हैं, कैसे केमिकल चेंज है रेस्पिरेशन? तो आप देखिए हम लोग जो भोजन लेते हैं, जो फूड लेते हैं, उसमें क्या रहता है, C6 रहता है, H12 होता है, O6 होता है, प्लस फिर से इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, इसको सिंपलर एंजाइम में कन्वर्ट करने के लिए, इनको एंजाइम में कन्वर्ट करने के लिए, सिंपलर पार्टिकल्स में तोड़ने के लिए हम क्या लेते हैं जी, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन लेने के बाद ये क्या करता है, ये रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, फिर से वाटर फॉर्म करता है और फिर प्लस एनर्जी बनाता है। ठीक है, तो यही तो रिएक्शन है रेस्पिरेशन का। तो इसमें क्या हो रहा है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, दैट इज अ केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेस्ट होना, फूड का डाइजेस्ट होना, भोजन का पचना, दैट इज अ केमिकल चेंज। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स यानी फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि जितने भी एल्कोहल्स होते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी चीनी को क्या किया जाए, फर्मेंटेशन प्रोसेस में चीनी को डाला जाए। इसका मतलब होता है सिंपल सा, सड़ना, जितना ही सड़ेगा ना उतना ही क्या होगा, एल्कोहलिक कोई सब्सटेंस होगा। ठीक है, तो एल्कोहल बनता है इस प्रोसेस से। दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, राइट। तो चलिए अब देखते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, राइट। आइए, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है क्या, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ केमिकल्स to form a new chemical, the process of interaction of chemicals to form a new chemicals. यानी प्रोसेस कौन सा है जी, इंट्रैक्शन ऑफ केमिकल्स का, यानी केमिकल को एक दूसरे के साथ इंट्रैक्ट किया जाए तो आफ्टर दैट एक न्यू सब्सटेंस, एक नया केमिकल क्या होता है, फॉर्म होता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन, राइट। तो केमिकल रिएक्शन हमने समझ लिया। चलिए अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाया जा रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। यहां पर H2 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ जी, O2 के साथ। आफ्टर दैट फॉर्म अ न्यू केमिकल्स, दैट मींस H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने पर हमें क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। आई बात समझ में। अनदर एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम चलाते हैं तो हमें मिलता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। नाउ व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। तो चलिए अब देखते हैं
केमिकल इक्वेशन क्या है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? तो हम केमिकल इक्वेशन को डिफाइन करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल, केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स, दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फॉर्मूला एंड सिंबल्स। आप देख सकते हैं यहां पे द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फॉर्मूला एंड सिंबल, यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दैट इज नोन एज मैथमेटिकल, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फॉर्मूला एंड सिंबल, यानी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा केमिकल रिएक्शन का उसको हम क्या बोलेंगे जी? केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल कार्बन रिएक्ट विथ रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का रिएक्शन अगर हम करवाते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो बनाता क्या है जी? बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर देखेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये बनाएगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसको हम लोग कहते हैं, अगर जो हमने ऐसे इसको लिख दिया दैट इज, इसको हमने ऐसे लिख दिया दैट इज अ वर्ड इक्वेशन, इसको कहते हैं हम लोग क्या? वर्ड इक्वेशन है। हमने इसको शब्दों में लिख दिया, अब हम इसको सिंबल में लिखते हैं। कार्बन का सिंबल C प्लस ऑक्सीजन का सिंबल O, लेकिन इसका मॉलिक्यूल्स क्या करता है जी? पार्टिसिपेट करता है, O2 जो हुआ एक मॉलिक्यूल्स हुआ। ये दोनों ही रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। आई बात समझ में? दैट इज द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये हो गया हम लोग क्या क्या सेंटेंस में हमने लिखा, इसको क्या लिखा? वर्ड में लिखा। और ये हो गया मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल्स के थ्रू हमने क्या किया? इसको लिख दिया। इज दैट क्लियर? अब देखेंगे यहां पे ये कार्बन जो है और ऑक्सीजन है, इस कार्बन और ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और ये जो प्रोडक्ट है हमारा आफ्टर केमिकल रिएक्शन के बाद जो न्यू केमिकल्स बनता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है? प्रोडक्ट कहते हैं। यहां पर रिएक्टेंट जो है, जो रिएक्शन कर रहे हैं, द केमिकल विच आर टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट। और आफ्टर दैट जो रिएक्शन होने के बाद नया सब्सटेंस बनता है, नया केमिकल्स बनता है, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्ट। ये केमिकल्स जो होते हैं ना, वन भी हो सकते हैं, वन से अधिक भी हो सकते हैं। यहाँ प्रोडक्ट भी होते हैं ना, एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं। आई बात समझ में? तो हम लोगों ने इस वीडियो में समझ लिया व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, राइट?